के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित ये बाल सुधार गृह यहाँ के नाबालिग बाल अपराधियों के कारनामों के लिए चर्चित रहता है और पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ लाए गए बाल अपराधी चुनौती बने हुए हैं। सरकार अब ऐसे बाल अपराधियों को आत्मनिर्भर बनाने का हुनर भी देने जा रही है और हिम्मत और हौसला अफजाई भी कर रही है। ये वो जगह है जहाँ ऐसे बच्चों को बेकरीज जैसे केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड जैसी कितनी आइटम्स बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन्हें मोबाइल या फोन रिपेयरिंग में रुचि है उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। आज इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन संयुक्त आयुक्त संजय सिंह ने किया। दिल्ली पुलिस और जुविनाइल जस्टिस बोर्ड की पहल पर भारत सरकार का NSDC मंत्रालय 6 महीने की ट्रेनिंग देगा। इसके बाद इन्हें प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में फिलहाल 2 शिफ्ट में 28 बच्चे ही ट्रेनिंग ले पाएंगे। निकट भविष्य में सलून और अन्य तकनीकी कोर्स भी इनमें शामिल होंगे। बेकरी की ट्रेनिंग मशहूर केटरर्स बिट्टू टिक्की वाला देंगे। साथ ही BTW ने घोषणा की है कि जो बच्चे काम करना चाहेंगे उन्हें वो काम भी देंगे। एक हम लोगों ने सोच ये बनी कि जो यहाँ पे जो जुवेनाइल्स जो आते हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उन सबको एक मार्ग दिखाया जाए, एक कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि जब ये यहाँ से जाएं तो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो बेकरी का ऑप्शन है और एक मोबाइल पेयरिंग का काम इनको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तकरीबन 6 हफ्ते का ये मॉड्यूल होगा उनके सिखाने का। उसके बाद एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाएगा। को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी यहाँ पर शायद 3 जस्टिस बोर्ड हैं दिल्ली में, जिसमें हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो एम है वो ये है कि यहाँ के सभी बच्चों को रोजगार, जैसे सर ने मेंशन किया, और रोजगार नहीं हो पाए तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का भी काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे वो बेकरी के प्रोडक्ट बनाकर यहीं से एक बाहर एक स्पेशल विंडो होगी जिसके तहत वो उसको बेच सकते हैं। तो एक अपने आप का यहाँ के बेकरी का भी एक सेल्फ ब्रांड हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या स्किल कौशल, किसी भी व्यक्ति को अगर कौशल बना दिया जाए, कुशल बना दिया जाए, उसके आइडियाज को चेंज कर दिया जाए। एक लाइन है कि आज की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान अपनी थाट को बदल करके अपने हालात को बदल सकता है। तो जो ये जुवेनाइल के बच्चे हैं, अगर इनकी थाट को, इनकी सोच को बदल दिया जाए, जैसे पुराने ज़माने में वाल्मीकि थे, तुलसीदास जी थे, ऐसे तमाम लोग थे, कम उम्र में बहुत गलतियां किए, इन उन लोगों ने चल के बहुत बड़ा कुछ काम किया है। ऐसे इन बच्चों की थाट को, सोच को स्किल किया जाए तो हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा, देश आगे जाएगा। दिल्ली के इस बाल सुधार गृह में रह रहे बाल अपराधियों में ज्यादातर संख्या ऐसे ही बच्चों की होती है जो गरीब तबके से आते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और JJB की ये पहल निस्संदेह इन बच्चों को जीने की नई दिशा देगी, पर जरूरत इस बात की है दिल्ली में ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। दिल्ली दर्पण TV से आयुषी गुप्ता की रिपोर्ट।